रसायन विज्ञान में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट ऑफ करवाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से अगर हम पिछले पेपर उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न पुट ऑफ हुए हैं। जैसे आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा है सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यूरेनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक में कैसे तत्वों को रखा गया है, और इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आवर्त सारणी पर हम थोड़ी सी वार्ता कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की जब हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी के निर्माता की बात करें तो हम एक बात करते हैं, सबसे पहला ही नाम आता है मिस्टर दमित्र मेंडलीव। जी हाँ, मिस्टर दमित्र मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो हमें बनाकर दी उनका उन्होंने आधार रखा, वो रखा परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ, आवर्त सारणी का इन्होंने आधार रखा परमाणु द्रव्यमान। लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी इतनी सटीक साबित नहीं हुई और आगे जाकर एक ही स्थान पर दो दो तत्वों का पाया जाना, तो ऐसे में आवर्त सारणी में समस्याएं आई। तो एक बेहतरीन मिस्टर मोजले यानी हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया। परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया। तो यहां स्टूडेंट्स हमसे प्रश्न क्या पुट ऑफ हो सकता है कि मोजले आवर्त सारणी का आधार बिंदु था, तो आधार बिंदु हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। और मेंडलीव आवर्त सारणी का आधार बिंदु था, तो वो था स्टूडेंट्स, मेंडलीव आवर्त सारणी का आधार बिंदु था परमाणु द्रव्यमान। हमारे पास सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी एटम में परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास या एटम मास हम इसे कहते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों का संयोग द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोग द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और इधर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं परमाणु क्रमांक की। स्टूडेंट्स, परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो परमाणु क्रमांक में सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक का आधारण किया गया है। तो यहां तक मैं आपको शायद समझाने में सफल रहा हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। आवर्त सारणी, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आवर्त सारणी के पिता मिस्टर दमित्र मेंडलीव को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जिन्होंने जमाई वो दमित्र मेंडलीव थे, और परमाणु क्रमांक के आधार पर किसे, मिस्टर हेनरी मोजले। हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मिस्टर हेनरी मोजले को कहा जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी में हमारे पास सबसे पहली बात आ जाती है कि आवर्त सारणी को किस भाग में डिवाइडेशन दिया गया है। तो मैं बता सकता हूं कि आवर्त सारणी को चार भागों में बांटा गया है। देखिए, आइए, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल के प्रारूप की। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि आवर्त सारणी को हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसे ब्लॉक वाइज बांटा गया है, और इसका ब्लॉक हम बात करते हैं। मैं आवर्त सारणी का एक कच्चा प्रारूप आपको बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ये
सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉकों में हम इसकी बात करें तो ये एस ब्लॉक है, जी हाँ, और ये जो ब्लॉक है ये है पी ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे का ब्लॉक है इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी समस्या ये आती है कि सर हम ब्लॉकों को कैसे सेट करें, चार ब्लॉक है कुल मिलाकर एस पी डी और एफ। इसके लिए मैंने एक टेक्निक बना रखी है, आपको ऐसे याद रखना है कि एस पी साहब ऊंचे ऊंचे पदवी वाले होते हैं तो एस पी हमेशा ऊंचे ऊंचे रहेंगे, दरोगा साहब यानी डी फोर दरोगा हो गया एक तरह से, यूं मान लीजिए अगर दरोगा को हमने बीच में डाल दिया और नीचे नीचे जो पास नहीं हुए वो फेल हो गए थे वो एफ हो गया, एफ फोर फेल हो गया, यानी नीचे का ब्लॉक कौन सा ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। दूसरी बात देखिए एस ब्लॉक, आज हम पहले ब्लॉक की बात कर रहा हूं आपके सामने एस ब्लॉक की। देखिए एस ब्लॉक में दो तरह की धातु रखी गई है, एक धातु है क्षारीय धातु और दूसरी रखी है क्षारीय मृदा धातु। जी हाँ, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। देखिए स्टूडेंट इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ऊपर वाला कंसंट्रेशन होता है इसे हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, और ये गैसीय तत्व है इसे ना क्षारीय धातुओं में रखा गया है, ये दोहरी प्रकृति वाला तत्व है, कौन, हाइड्रोजन। लेकिन क्षारीय धातु शुरू हो जाती है एटॉमिक नंबर तीन से, ट्रिक नंबर ये है ली ना करे रव से फरियाद। देखिए लिथियम की हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम की बात करें इसका होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19, रुबिडियम का होता है 37, इसका होता है 55 और फ्रांसियम का होता है 87। याद रखिएगा ट्रिक का नाम मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं आपको कैसे याद रखना है, ली ना करे रव से फरियाद। ठीक है, जस्ट आगे वाला जो वर्ग है इसमें रखे गए हैं क्षारीय मृदा धातु जिसकी ट्रिक है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। यदि इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका एटोमेटिकली 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, इसका 19 है तो 20 होगा, 37 है तो 38 होगा और 55 है तो 56 होगा, 87 है तो 88 होगा। अब स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर हम ऐसे कैसे याद रखें, हमें तो पहाड़े तक याद नहीं रहते। इसके लिए मैं विशेष क्लास बनाकर आपको इसकी याद करने की, पूरी पीरियोडिक टेबल आप 2 मिनट के अंदर लिख के दोगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने आपके कितने क्वेश्चन क्लियर करा दिए, ध्यान दीजिएगा लिथियम का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्रमांक कितना है, 3 है, तो इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या भी कितनी है, 3 है। सोडियम में 11 है तो इसके अंदर कितनी है, 11 है। पोटेशियम में 19 है तो 19 है। पूरी पीरियोडिक टेबल विद इन 2 मिनट्स आप पूरे बोर्ड पर या कॉपी पर बना पाओगे, ऐसी हमारे पास ट्रिक है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दूंगा। लेकिन जब तक आप इसको समझें, देखिए ध्यान से एक एक तत्व के बारे में लेते हैं कि लिथियम में प्रोटॉन संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है, सोडियम में 11 है और प्रोटॉन संख्या भी 11 है, पोटेशियम में 19 है और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 19 है। इसके बाद हमारे अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। तब तक के लिए आप इसे कॉपी करें और धन्यवाद।